इंडियन एयरफोर्स के लिए परीक्षा एप्लीकेशन पर स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। ये आपके एग्जाम एक्स वाई या फिर बोथ के लिए होने वाली है और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। इसका जब आप प्राइस देखेंगे तो ये 349 आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे सुपरफा50 तो इस मॉक टेस्ट की जो प्राइस हो जाएगी वो 175 हो जाएगी, यानी 175 रुपये में 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं परीक्षा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप यहां जाकर के और आप अपने एग्जाम के लिए लगातार प्रयास करें और लगातार तैयारी करते रहें। आपको एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है तो इसलिए इन प्रैक्टिस सेट को आप जरूर परचेज करके रोजाना आप एक दो प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाइएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ही इज डूइंग हिज जर्नलिज्म फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। इसे पढ़ने के बाद आपको हर डाउट जो है वो समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। पहली बात आप समझिए, यानी कि वो जर्नलिज्म कर रहा है इंग्लैंड की किसी एक यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी का नाम तो नहीं दे रखा, उसने बोला है इंग्लैंड के अंदर कोई यूनिवर्सिटी है उससे वो क्या कर रहा है, जर्नलिज्म कर रहा है, ठीक है, यानी पत्रकारिता का कोर्स कर रहा है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, अब यू जो स्टार्ट होता है वो या से स्टार्ट होता है, ठीक है, यार अलव अंतस्त, तो याद रखना या जो होता है या के लिए जो इस्तेमाल होता है वो ए होता है। क्या होता है, ए होता है। तो याद रखना यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साहब, ये आप याद रखें। सेकंड आपसे ये मैंने आंसर भी दे रखे हैं, इन्हें आप आराम से देख लेना, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सेकंड आपसे पूछा है ही इज बोथ, अपना नंबर ऐड कर लो, पहले वाले में एक सही हो गया, अब दूसरे वाले में ऐसे बना लो, ऐसे 1 2 3 4 इसमें से क्या 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 हुआ ये चीज़ें आप बना लो, ऐसा हम भी किया करते थे। तो ही इज बोथ डैश प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, इसे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो गलत कर जाएंगे। उसके पीछे मैं रीज़न आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आसान नहीं है। अगर किसी एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी हैं, वो प्रोड्यूसर भी है और डायरेक्टर भी है, तो ये नियम आपने पढ़ा होगा कि पहले वाला ये जो नाउन होता है इस नाउन से पहले आर्टिकल लगता है, राइट, ये आपने पढ़ लिया है। हाँ मैंने भी पढ़ा है। अब आर्टिकल ऐसे में याद रखना, दो आर्टिकल इस्तेमाल होते हैं, या तो ए एन होगा या फिर दा होगा, इन दोनों में से एक होगा। आपकी थिंकिंग सोच रहे होंगे कि दा लगेगा, सर जी यहाँ पर दा नहीं लगेगा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन याद रखना जब भी कभी प्रोड्यूसर अगर डायरेक्टर किसी, यहाँ पीछे लिखा रहता ऑफ द फिल्म, ऑफ दिस फिल्म ऐसे लिखा रहता, मतलब उसने पर्टिकुलर कर दिया, यानी कि वह प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इस फिल्म का, तो वो एकदम क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रोड्यूसर से पहले आपको दा लगाना था, लेकिन उसने बस सामान्य जानकारी दे दिया कि वो प्रोड्यूसर भी और डायरेक्टर भी है, तो ऐसे में सामान्यतः जानकारी अगर पूरी बात कन्फर्मेशन के क्लियर नहीं हो रही है तो आपको याद रखना ये पहले वाले नाउन से पहले ए एन लगाना होता है। अब पारा प्रोड्यूसर, इसलिए यहाँ पर ए आ जाएगा, याद रखिएगा ऑफ दिस फिल्म होता तब हम यहाँ पर जो वो दा लगाते हैं, तो ये हो सकता है गलत हो गया हो बच्चों का, आगे देखिएगा। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज होम टू 30% ऑफ ऑल नोन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है वो एक एरिया है अपने आप का, ठीक है, वर्षावन जो है, अगर यहाँ पर अमेजोन रिवर होता, अगर अमेजोन रेन फॉरेस्ट आ जाए या अमेजोन रिवर आ जाए, तो याद रखना ये एक फिक्स है, एक निश्चित है, तो ऐसे में हमेशा हम दा लगाते हैं, ठीक है, जो नोन है, जो दुनिया उनको जानती है, अपने आप में अकेले हैं, अजूबे हैं, उनसे पहले आपको दा लगाना है। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट हो या अमेजोन रिवर हो, उससे पहले आपको दा ही लगाना है। तीसरा हो गया क्लियर। चलो आगे पूछा गया है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन डैश डे। यहाँ पर क्या हैगा, आपने खूब सुना होगा कि रोम जो है ना वो एक दिन के अंदर नहीं बना था, तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन के अंदर यानी इन अ डे, तो याद रखना ये पूरा जो है प्रोवर्ब है, और ये आपको याद रखना, देखो प्रोवर्ब के अंदर जहाँ पर भी जो आर्टिकल फिक्स होते हैं उनको आपको याद कर लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए डे आ जाएगा। अपना नंबर काउंट करके बताना, मुझे स्कोर बताना जरूर। Where is dash book that I gave you yesterday? वो किताब कहाँ है जो मैंने कल तुमको दी थी? तो यहाँ पर जो ये बुक है इसके बारे में निश्चितता बताई गई है कि जो किताब कल मैंने तुमको दी थी वो किताब कहाँ पर है। तो जब भी कभी किसी भी चीज़ के बारे में अगर निश्चित हो जाए वो, तो निश्चित होने पर हमेशा हम क्या लगाते हैं, दा लगा देते हैं। Is that clear? तो आंसर हो जाएगा सी। आगे आपसे पूछा है, अब हर क्वेश्चन जो आपने पढ़े होंगे वो सब मैं यहाँ ले रहा हूँ। आगे पूछा है, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया।
यानी ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर पूछा है क्या है, जब कंपैरिजन हो रहा हो तो ऐसे में याद रखना यहाँ पर दा का इस्तेमाल होता है, दा ऑफ का जोड़ा चलता नहीं उसमें, द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। तो दा वाला मतलब सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपसे पूछा है, आगे एक और सवाल आपसे पूछा है, और वो है मैनी डैश मैन कम्स हेयर। क्या बोला, मैनी डैश मैन कम्स हेयर। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, ध्यान से आपको सीख लेना है क्या है। तो मैनी ए मैन, यहाँ पर क्या होता है, मैनी ए मैन कम्स हेयर, आपको खूब पढ़ाया था मैंने, मैनी के बाद यहाँ पर नाउन होता है सिंगुलर, तो यहाँ पर ए एन लगता है, तो मैन है इसलिए यहाँ पर ए आ जाएगा, ये मैंने आपको बता रखा है। चलिए आगे आपसे और सवाल पूछे जाएंगे। एक और पूछा है, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ये आपको बता रखा है मैंने, तो ये चीज़ हो जाएगा। इसके बाद एक और है, ये देखिएगा, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बुक्स यू गेव मी, किताबें जो तुमने मुझे दी थी आर वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर जो बुक्स हैं उनके बारे में कुछ एक्सप्लेन करके उन्होंने बताया है। तो जब भी कभी किसी भी नाउन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाए, उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी दे दी जाए, तो वहाँ पर दा का इस्तेमाल होता है। नंबर आप काउंट करते जाइएगा। आपसे और कुछ चीज़ें पूछी हैं, और वो हैं कि मुंबई इज़ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो ऑफ द, तो यहाँ पर द आ जाएगा, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। गलती नहीं करना है, जितना भी पूछ रहा हूँ ना अभी, तो और अच्छे अच्छे लेवल के आएंगे, 40 क्वेश्चंस है। प्लीज़ लुक इन टू डैश बुक एंड फाइंड आउट द आंसर, उसने ये बोला है कि भैया इस किताब को अच्छी तरीके से क्या है, लुक इन टू करो, देख लो अच्छी तरीके से, एंड फाइंड आउट द आंसर, और उत्तर को जो है फाइंड आउट करो, ढूंढो उत्तर को। तो इसका मतलब हो गया कि पहले तो उसने, अब उसने बोला है कि फाइंड आउट द आंसर, अब आंसर को यदि आप निकालोगे, आंसर को यदि फाइंड करोगे, तो जाहिर है वो जो बुक होगी वो एक पर्टिकुलर बुक है। उसने बोला प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ लुक इन टू द बुक, जो ये मैंने आपको किताब दे रखी है, प्लीज़ उसे पहले आप आराम से देख लो, गौर से देख लो, एंड फाइंड आउट द आंसर, और आंसर को निकालो। तो यहाँ पर जो बुक है ना, उसके बारे में एकदम कन्फर्मेशन के साथ में यहाँ पर बात कही गई है। चलिए आगे मैं आगे बताता हूँ आपसे, एक और क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ मिथिला स्पीक डैश मिथिली, ठीक है, मैथिली मतलब मिथिला के जो लोग होते हैं ना वो मैथिली बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर याद रखिएगा, सुनो मेरी बात, अगर यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज हो, तो लैंग्वेज मतलब अगर कोई भाषा का नाम लिख रहा है, तो याद रखना उससे पहले कोई भी आर्टिकल हम इस्तेमाल नहीं करते। क्रॉस का मतलब है कुछ नहीं, नन, इस क्रॉस का मतलब क्या रहेगा, नन रहेगा, यहाँ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अगर मैथिली के पीछे अगर लैंग्वेज वर्ड लिखा रहता, लैंग्वेज, तो आप यहाँ पर द मैथिली लैंग्वेज कर देते। लेकिन खाली अगर भाषा दे रखा है, तो खाली उससे पहले जो है कभी भी यू नो आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। एक मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ, मैंने बोला आई स्पीक हिंदी, क्या बोला, मैं हिंदी बोलता हूँ, तो यहाँ पर ए हिंदी, द हिंदी नहीं आएगा, आई स्पीक हिंदी आएगा खाली। लेकिन अगर मैंने बोला आई स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी के पीछे अगर लैंग्वेज लग गया, किसी भाषा के पीछे अगर लैंग्वेज वर्ड लग गया, तो फिर आपको दा लगाना है, याद हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर डी आ जाएगा। आगे आपसे पूछा क्या है, शी इज डैश मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, इसे पढ़ने के बाद, ये पिछली बार एयरफोर्स में आया था, और ये रूल आपने खूब अच्छी तरह से पढ़ा होगा कि ऑफ द टू, क्या ये रूल होता है, आपने खूब पढ़ा होगा क्या, ऑफ द टू अगर कहीं आ जाए, तो इसके बाद पता है ना प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और ऑफ से पहले क्या आता है बताओ, जल्दी बताओ, कंपैरेटिव डिग्री आती है, क्या आती है, कंपैरेटिव डिग्री आती है, और इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का यूज होता है, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो चीज़ मैंने बता दिया है कि अगर कहीं पर भी आपको ऑफ द टू आ जाए और उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री आए, तो आपको दा लगा देना है, सोचना नहीं है ज़्यादा, आपको दा लगा देना है, यहाँ पर ये रूल है, आपको याद ही करना है। इसके बाद एक और चीज़ आपसे मैंने पूछी है कि एक और चीज़ है कि इज ही गोइंग टू इंग्लैंड बाय एयर, तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इज ही गोइंग टू इंग्लैंड, क्या वो इंग्लैंड जा रहा है, बाय एयर मतलब एयर के माध्यम से, एरोप्लेन के माध्यम से। तो याद रखिएगा जब भी कभी अगर बता देता हूँ, देखो कभी भी गो, कम, ट्रेवल,
ठीक है, या जर्नी आ जाए, और उसके बाद में कभी भी अगर बाई लग रहा है और बाई के बाद में अगर ट्रांसपोर्ट का कोई माध्यम दे रखा है, आप किसके माध्यम से जा रहे हो, ट्रेन से, बस से, एयर से, तो एयरशिप से, तो ऐसे में कभी भी यहाँ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। दोबारा सुनो, कभी भी गो आ जाए, कम आ जाए, जर्नी आ जाए, ट्रेवल आ जाए, और उसके बाद यहाँ पर कोई बाई लग रहा है, उसके बाद यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट आइटम दे रखा है जिससे आप जाएंगे, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, तो फाइनली आंसर डी हो जाएगा। अब एक ही चीज़ को 10 बार बोलो तो वो ठीक नहीं है, इसलिए मैं पॉइंट की ही बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी टुडे, यानी वो कह रहा है, ये देखो इसे पढ़ो, हिंट समझो, टेक्नोलॉजी टुडे हैज इनेबल्ड डेवलपमेंट ऑफ डैश ऑनलाइन वर्चुअल लाइब्रेरी। चाहे इसे आज की टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी एक निश्चित हो गई, तो पहले वाले में आएगा, मतलब आपका डी आंसर हो जाएगा। चलो आगे आपसे और कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पूछी हैं, बहुत सिंपल है, देखिएगा इसे पढ़िएगा। डैश, अरे मेरी जान कहाँ जा रही, डैश मेन करेक्टर्स आर क्लियरली डेलिनेटेड इन डैश फर्स्ट चैप्टर। तो ये भी खूब आराम से है, कभी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कभी भी आ जाए तो उससे पहले दा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आप यहाँ पर दा लगाएंगे तो पीछे वाले में दा आ जाएगा, ठीक है, ये कट जाएंगे। वो उसने पूछा मेन चैप्टर्स आर क्लियरली, तो यहाँ पर जो चैप्टर्स की बात हो रही है वो एकदम पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, कि मेन जो मुख्यतः जो चैप्टर्स हैं उनकी बात हो रही है, तो जाहिर है जब किसी भी चीज़ को जब हम क्लियर कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, तो वहाँ पर दा इस्तेमाल होता है। तो फाइनली आप याद रखेंगे कि दोनों में ही दा का इस्तेमाल हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे आपसे पूछा है कि ऑल ऑफ अस सैट बाई डैश रिवर एंड वॉच्ड डैश सनसेट। ये मैं आपसे पूछ लेता हूँ, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दे दीजिएगा। चलो आगे बढ़ो, आगे आपसे और सही समझ में आना चाहिए। आपसे पूछा लेटेस्ट मॉडल फीचर्स अलॉय व्हील्स एंड डैश इलेक्ट्रॉनिक अलार्म। उसने ये देखो, अब ये भी चीज़ें सिंपल सी बात है, लेटेस्ट अगर दे रखा है यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो जाहिर है उससे पहले दा आए गया आएगा, तो पहले वाले में तो दा यहाँ कुछ है नहीं, पहले वाले में ये रहा दा, तो दा आ जाएगा। और दूसरा पूछा है उसने लेटेस्ट मॉडल फीचर्स अलॉय व्हील है उसमें एंड एन इलेक्ट्रॉनिक अलार्म, और एक अलार्म भी उसमें लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो फाइनली आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आराम से पढ़ लीजिएगा, समझ समझ करके आगे बढ़िएगा। देयर आर, कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछ लूँगा जो मुझे लगेगा हाँ ये आपसे पूछना है। देयर आर डैश काउंटलेस स्टार्स दैट आर इनविजिबल टू डैश नेकेड आइज, यानी कि बहुत, यानी काउंटलेस, जिन्हें आप गिन नहीं सकते, इतने तारे हैं जो इनविजिबल हैं, जो दिखने में, जो आप नंगी आंखों से उन्हें नहीं देख सकते, बहुत सारे तारे। तो ऐसे में चीज़ बताइएगा कि ये तो प्लूरल है, काउंटलेस स्टार्स, ये तो प्लूरल है, तो प्लूरल से पहले तो ए एन तो कभी नहीं आ सकता, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात, एक और चीज़ याद समझिएगा, दूसरे वाले खालिस्तान में क्या है, नेकेड आए थे, कभी भी कोई बॉडी पार्ट आ जाए नंगी आंखों से, ठीक है, बिना चश्मे के, बिना जो है ना वाइनाकुलर के, कभी भी कोई बॉडी पार्ट आ जाए, तो उससे पहले आपको दा लगाना होता है। तो बात ये समझ में आई कि दूसरे वाले में आएगा दा, दूसरे वाले में दा सिर्फ पहले वाले में दे रखा है, तो पहले वाला ठीक है। अब ये प्लूरल है, जाहिर है, और नहीं निश्चित बात की जा रही है कि साहब पोलर स्टार है, कौन सा स्टार है, कोई भी ऐसे निश्चित स्टार के बारे में तो बात कही नहीं गई है, तो ऐसे में यहाँ पर दा तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पर दा आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए, आगे आपसे बात करता हूँ। आगे है, दीज प्लांट्स विल नीड डैश सॉयल दैट रिटेन्स मॉइस्चर ड्यूरिंग डैश समर सीजन। ये मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इसका आंसर क्या होगा ये आप मुझे बताइए, ठीक है, दो सवाल मैंने आपसे पूछ लिए हैं। आगे आपसे पूछ रहा है, शिमला डैश ब्यूटीफुल सिटी, शिमला एक ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी जो है खूबसूरत शहर है, विच इज ऑल्सो डैश द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। एक बात आप मुझे बताओ, हिमाचल प्रदेश की कोई भी कैपिटल होगा वो निश्चित होगी कि नहीं होगी, एक ही तो होगी, तो इसलिए यहाँ पर तो दा आएगा, तो दूसरे वाले में दा आएगा, तो दूसरे वाले में दा यहाँ नहीं है और ना ही यहाँ पर है। अब देखिएगा, उसने पूछा शिमला अपने आप में एक बहुत ही सुंदर जो है, बहुत ही खूबसूरत शहर है, तो एक है ना कि बहुत, तो इसलिए यहाँ पर अ ब्यूटीफुल सिटी आ जाएगा। फाइनली राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। तो देखो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं और पॉइंट की ही बात कर रहे हैं हम, इधर उधर नहीं जा रहे। अब ये एरर टाइप है और एरर को भी आपको फाइंड करना है कि कहाँ पर गलती है, तो वो मैं आपसे पूछता रहूँगा। अब इसे पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। एक सेकेंड, What happened? Just I check right now. चलिए कोई बात नहीं। अब देखिएगा, You must be aware of the fact
दैट नन वर द ब्रेव डिजर्व द फेवर ऑफ द गॉड। इसे पढ़ने के बाद आपको एक ही बात समझ में आ रही होगी। पहली बात तो ये कि गॉड से पहले कोई भी द आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। गॉड से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल, ए का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो गलती है वो आपके सी वाले पार्ट में है। तो गॉड से पहले द का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। आगे और भी क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे हैं। सूनर और लेटर यू विल कम टू नो द ट्रुथ दैट द मैन इज मोर्टल एंड लव इज इटर्नल। उसने कहा है कि बहुत यदाकल आपको जो सारी चीज़ें जो जानकारी में आई हैं, विल कम टू नो द ट्रुथ, जो रियलिटी है दैट द मैन इज मोर्टल। उसने पूछा है, उसने कहा है कि भाई जो आदमी होता है ना, एक आदमी क्या होता है, नश्वर होता है, यानी कभी ना कभी उसे मरना ही मरना है। एंड लव इज इटर्नल, लव हमेशा बना रहता है। तो ऐसे में याद रखिएगा, ये जो लिखा है ना मैन इज मोर्टल, ये बात एक प्रोवर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, सामान्यतः बात कही जा रही है। जब सामान्यतः बात कही जा रही है कि भैया अ मैन इज मोर्टल, आदमी जो है कभी ना कभी तो मरेगा ही मरेगा, तो एक सामान्य जानकारी है, तो दा कहाँ से आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर खाली जो है वो ए आ जाएगा। दा हटाओ, ए लगाओ, आगे चलिएगा। आगे आपसे पूछा है, इफ़ यू वॉन्ट टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ, यदि आप एक सफलतापूर्वक जिंदगी जीना चाहते हैं, आई मस्ट एडवाइज यू, मैं आपको जो है ज्ञान दूंगा ही दूंगा, टू गो थ्रू गीता। गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना, कि गीता को पढ़ो एवरी मॉर्निंग विद योर क्लीन हार्ट, साफ, एकदम साफ स्वच्छ हृदय के साथ में हर सुबह गीता को पढ़ो। तो एक बात आप मुझे बताओ, गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना और पीछे दे रखा है गीता। तो गीता, गीता ये कोई लड़की का नाम नहीं है, ये गीता पढ़ने की बात हो रही। तो जाहिर है ये हमारे गीता भागवत ये पुराण है, राइट। तो ये सब क्या एक ये जो है प्रसिद्ध किताबें हैं, पुस्तक हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर दा आ जाएगा, क्योंकि ये एक नाम है। गीता क्या है, गीता है, रामायण है, ये एक नाम है। तो इससे पहले आपको दा लगाना है, ठीक है, प्रसिद्ध किताबों का नाम है। चलो आगे आगे आपसे बात करते हैं। आगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है समझ पाना, वॉट काइंड ऑफ अ मैन यू आर। तुम यार किस तरह के आदमी हो, रियली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड वॉट काइंड ऑफ अ मैन यू आर। यहाँ पर याद रखिएगा, जो गलती है वो ये है, मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, कि कभी भी काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद यहाँ पर आपको पता है ना, ये सिंगुलर आ रहा है, तो इसके बीच में कभी भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेना है। तो फाइनली आपका डी वाले में एरर हो जाएगा। चलिए आगे आपसे पूछा है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस फैक्ट से जो है अनजान हैं, दैट देयर प्रिंसिपल इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल, यानी उनका जो प्रिंसिपल हैं वो कैसे हैं, सैद्धांतिक आदमी है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर उनके प्रिंसिपल के बारे में बात कहिएगा, कि देयर प्रिंसिपल द मैन ऑफ प्रिंसिपल, द मैन ऑफ प्रिंसिपल नहीं होता, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल होता है, एक सैद्धांतिक आदमी है। अब प्रिंसिपल तो एक ही है, देखो सिंगुलर, तो आगे भी जो बात की जा रही है उन्हीं के बारे में की जा रही है, लेकिन ये प्रोवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, अब मैं ये फ्रेजल वर्ब की तरह, ठीक है, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक आदमी, तो यहाँ पर दा नहीं आता है। इन सारी चीज़ों को आपको हल्का हल्का याद करना है, ठीक है साहब। चलो आगे देखते हैं। आगे, सचिन तेंदुलकर इज ग्रेटेस्ट क्रिकेटर प्लेयर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड इन दिस मिलेनियर, मतलब सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट। आपको पता है ना, सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर दा आना चाहिए, तो इसलिए फाइनली ए वाले में गलती हो जाएगा। ये चीज़ें याद रखिएगा, चलो ये आप थोड़ा याद रखिएगा। आगे है, समर ऑफ द लास्ट ईयर वॉज वेरी हॉट एंड आई नेवर एक्सपेक्ट सच अ समर टू कम अगेन इन अवर लाइव्स। पढ़िएगा, तो इसे पढ़ने के बाद आपको समझ में क्या आया, देखो पूरा आर्टिकल का टॉपिक यहाँ पर क्लियर होने वाला है। समर ऑफ द लास्ट ईयर, उसने बोला है कि जो समर है ना, पिछले साल की समर। अब जाइज है कि अगर कोई भी चीज़ पर्टिकुलर हो जाती है तो उस नाउन से पहले दा लगा देते हैं, तो इस समर से पहले जो है द समर ऑफ लास्ट ईयर, यानी पिछले साल की जो समर है, ये क्या पर्टिकुलर है, तो पर्टिकुलर होने पर, तो इसलिए आपको पढ़ने के बाद ये समझ में आना चाहिए कि वो ये बोल रहा है कि पिछली साल का जो समर सीजन था वॉज वेरी हॉट, वो बहुत ज़्यादा हॉट था, एंड आई नेवर एक्सपेक्ट सच अ समर चुका वगैरह, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी में इस तरह का कोई भी समर दोबारा आएगा। तो इसलिए याद रखना, ये जो समर है वो पर्टिकुलर इसने बना दिया है पिछले साल का कह करके। तो फाइनली आपका गलती हो जाएगा ए वाले पार्ट में। चलो आपसे पूछा है, आई वॉज बॉर्न ऑन 2nd ऑफ नवंबर 1980 बट सी वॉज बॉर्न ऑन द 1st ऑफ नवंबर,
इसे पढ़ने के बाद आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें जो आपको क्लियर कर दी थी वो ये की थी, कभी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह की अगर गिनती आती हैं तो इनसे पहले आपको दा लगाना होता है। तो दा लगाना है मतलब सेकंड से पहले जो है वो यहाँ पर दा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आप आराम से रोको समझो, पहले आप ट्राई करो कि इसमें गलती कहाँ पर निकल सकता है। चलिए आगे आपसे पूछा है, यू हैड बेटर टेक सम वार्म क्लॉथ्स एज द हायर यू गो कूलर यू फील। ये तो आपने खूब आराम से पढ़ा होगा कि जब दो सेंटेंस कोमा से जुड़े हुए हैं और दोनों में ही समानता की बात की जा रही है कि इतना, ठीक है, इतना जितना इतना जितना, तो दोनों में ही जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर लिखा है एज द हायर यू गो, जितना जितना ऊपर आप जाओगे द कूलर यू फील, उतना ही ठंडा आप फील करोगे। तो जितना उतना अगर सेंस आ जाए तो इन दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले यहाँ पर आपको दा लगा देना है। तो याद रखना कूलर से पहले दा आ जाएगा, तो दा नहीं है तो इसलिए डी वाले में एरर हो जाएगा। चलिए आगे कुछ सवाल और हैं, मैं पूरे 40 कर देता हूँ। गोल्ड यूज्ड इन दिस पीस ऑफ ज्वेलरी हैज़ बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम द यूएसए, यानी कि वो ये कह रहा है कि गोल्ड यूज्ड इन दिस पीस ऑफ ज्वेलरी, यानी ये जो आभूषण है इस आभूषण के अंदर जो गोल्ड इस्तेमाल किया गया है वो यूएसए से लाया गया है। अब ये बताइएगा, ये जो गोल्ड है, वैसे धातुओं से पहले दा नहीं लगाते जनरल सेंस में, लेकिन जब कोई भी धातु हो, चाहे वो आभूषण हो, जब वो एक पर्टिकुलर हो जाता है, उसके बारे में पूरी बात कही जाती है, तो फिर वो जो होता है वो एक उससे पहले दा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए इस गोल्ड से पहले दा इस्तेमाल होगा क्योंकि इस गोल्ड के बारे में पूरी बात आगे कही गई है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। आगे देखेगा, सेवरल मिनिस्टर्स विजिटेड जेल टू सी अ नंबर ऑफ प्रिजनर्स, यानी बहुत जो मंत्री लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जेल में विजिट करते हैं टू सी अ नंबर ऑफ प्रिजनर्स, कैदियों, बहुत सारे कैदियों को जो है देखने के लिए वो क्या करते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, विजिट करते हैं जेल का। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए और वो ये कि आपने एक चीज़ समझो, जैसे मैंने बोला आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, मतलब इसका मतलब है कि मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ, राइट। तो ये जो स्कूल, अगर स्कूल किसके लिए बना होता है, मेन पर्पज़ होता है, फर्स्ट उसका प्राइमरी उद्देश्य होता है पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर कोई भी दा वगैरह नहीं लगाते। लेकिन जब उसका फर्स्ट प्राइमरी जो उसका जो अर्थ है अगर वो नहीं निकल रहा हो तो यहाँ उससे पहले दा का इस्तेमाल होता है। अब ये बताओ जो मिनिस्टर्स हैं, जेल किस में होती है भाई, कैदियों को कैद करने के लिए, जिन्होंने गलत किया उनको सजा देने के लिए जेल होती है। तो पहला उद्देश्य तो जेल में क्या होता है, सजा पाने के लिए होता है। लेकिन मंत्री लोग जो होते हैं वो प्रिजनर्स को सिर्फ देखने के लिए जाते हैं कि भाई उनके हालचाल क्या हैं, देखें कोई परेशानी तो नहीं है, परेशानी है तो उसका जो है समाधान हो। तो ऐसे में वो कोई सजा काटने तो जा नहीं रहे, जब सजा काटने नहीं जा रहे हैं और दूसरा उसका अगर मतलब है, तो यहाँ पर आपको उस ऑब्जेक्ट से पहले आपको दा लगाना होता है। तो इसलिए आपका बी वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है कि नाइदर अ बुक बिलोंग्स टू मी सो आई कैन नॉट अलाउ यू टू टेक द बुक यू आर आस्किंग मी फॉर। देखिएगा, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, ठीक है। नाइदर अ बुक बिलोंग्स टू मी, बहुत पहले बताया मैंने कि नाइदर आइदर कभी दे रखा हो, उसके बाद अगर कोई नाउन आ रहा हो तो यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसलिए आपके ए वाले पार्ट में गलती हो जाएगा। तो नाइदर बुक बिलोंग्स टू मी सो आई कैन नॉट अलाउ यू टू टेक द बुक यू आर आस्किंग मी फॉर। चलो अच्छा, आप कुछ पूछ रहे होंगे, सर जी आस्क फॉर होता है एक साथ फ्रेजल वर्ब है तो बीच में ऑब्जेक्ट क्यों लगा दिया, आप आस्क फॉर मी कर दो। वैसे मैक्सिमम क्या होता है ना, अगर कोई ऐसी फ्रेजल वर्ब है जिसमें ये वर्ब है और ये प्रीपोजिशन है, तो इन दोनों बीच में ही आपको ऑब्जेक्ट लगाना होता है। थोड़ा बड़ा रूल है, मैं आपको फिर बताऊंगा कभी। आगे आपसे अगर पूछा जाए, देखिएगा, द वर्कर्स हैव बीन ऑन अ स्ट्राइक फॉर मोर देन अ मंथ एंड हैव बीन आस्किंग फॉर अ पे राइज। यहाँ पर समझ में आना चाहिए और वो ये होना चाहिए कि जो वर्कर्स हैं ना, मोर देन अ मंथ मतलब एक महीने से भी ज़्यादा समय हो गया वर्कर्स को स्ट्राइक पर। तो स्ट्राइक पर यहाँ पर याद रखना, ऑन स्ट्राइक वर्ड होता है, स्ट्राइक पर ऑन स्ट्राइक होता है, इसके बीच में कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो हो रहा है तो वो गलत है। फाइनली बी वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑन स्ट्राइक होता है। आपसे पूछा है, विल यू प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन अ डिटेल वंस अगेन इफ यू हैव टाइम। विल यू प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड, क्या प्लीज मुझे समझाओगे ऑल दीज थिंग्स इन अ डिटेल वंस
एक बार दोबारा से जो है इन सारी चीज़ों को डिटेल में मुझे समझा दो इफ़ यू हैव टाइम, यदि आपके पास समय है तो। यहाँ पर जो गलती है वो देखो इस वाले पार्ट में, डिटेल में इन डिटेल होता है, इनर डिटेल नहीं होता। बताया था ना नाइदर बुक, तो नाइदर बुक होता है, नाइदर ए बुक नहीं होता। माई सिस्टर होता है, माई ए सिस्टर नहीं होता। इन डिटेल होता है, इन ए डिटेल नहीं होता। ऑन स्ट्राइक होता है, ऑन ए स्ट्राइक नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। आपसे पूछा फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल, इन अ रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकग्निशन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। पहली बात है, सीधी सी बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाए तो इनसे पहले आपको दा लगा देना है। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फाइनली आपका ए वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। पूछा है माई फादर इज इन बैड मूड टूडे, आज मेरे पापा है ना वो एकदम जो है बैड मूड में। तो याद रखना कभी भी अगर बैड मूड हो या अच्छा मूड हो तो उसकी जगह बोलते हैं इन अ बैड मूड। क्या बोलते हैं उसे? इन अ बैड मूड। और सर जी अच्छा मूड हो तो इन अ गुड मूड। तो ये चीज़ों याद रखना, इन ए बैड मूड, इन ए गुड मूड। तो यहाँ पर ए का इस्तेमाल होना था, फाइनली गलती है बी वाले पार्ट में। चलिए आगे आपसे पूछ लेते हैं वो सारी चीज़ों को। पूछा है द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट इन अवर विलेज। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। ओनली डेंट, देखो ओनली के बाद अगर कोई भी नाउन दे रखा है तो इस ओनली से पहले दा का इस्तेमाल होता है, ये आपने खूब पढ़ा होगा। तो आंसर हो जाएगा बी वाले पार्ट में गलती, बी वाला हो जाएगा। तो द ओनली डेंटिस्ट होता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं एग्जाम के लिए। पूछा है अ पर्सन आई मेट, एक आदमी जिससे मैं मिला था इन द थिएटर, थिएटर के अंदर, वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ, वो खुद में क्या है? प्ले राइट है, नाटककार है। तो अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर, ऐसा आदमी जिससे मैं मिला था। तो ये जो पर्सन है वो पर्टिकुलर है कि भैया थिएटर में जो आदमी मिला था, तो पर्सन से पहले द आ जाएगा। द पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ। तो इसलिए आपका ए वाले पार्ट में गलती हो जाए। देखो कितना आनंद आ रहा है, आप पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं। आई गो टू द बेड एट एट, मैं 8 बजे एवरी नाइट, हर रात को मैं 8 बजे बेड पर चला जाता हूँ, मैंने सोने के लिए। गो टू बेड होता है, गो टू द बेड नहीं होता, सोने के सेंस में बात हो रही है भैया। 8 बजे और हर रात को जाहिर है आप सोएंगे ही सोएंगे, तो ऐसे सेंस में गो टू बेड होता है, गो टू द बेड नहीं होता। जा रहे हैं आप डायरेक्ट और सो रहे हैं, और समय भी दिया है और रात भी कही गई है, तो सोने का सेंस है। तो फाइनली वहाँ पर मैंने बताया था ना वो जेल वाला विजिटेड द जेल जो था, वो ही सेवरल मिनिस्टर्स विजिटेड द जेल। तो इस तरह से, तो मैंने यहाँ पर बताया था कि जिसका अगर मतलब है जेल का कैदियों को सजा देने के लिए, अब मंत्रियाँ जा रहे हैं देखभाल करने के लिए, तो सजा तो नहीं है, तो अदर पर्पज़ है उसका, तो दा लगा दो। अब जिसका पर्पज है वही है तो फिर आप दा नहीं लगा सकते, जैसे इस वाले में हुआ है। 40 है और ये लास्ट है। इन 1906 द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को, उसने ये बोला है कि भैया 1906 के अंदर जो सैन फ्रांसिस्को में जो अर्थक्वेक आया था उससे बहुत ज़्यादा तबाही हो गई थी। तो एक बात बताओ, इस अर्थक्वेक के बारे में बताया गया है, फिक्स है कि 1906 के अंदर आया था, सैन फ्रांसिस्को में आया था, तो अर्थक्वेक से पहले आपको दा लगाना है क्योंकि ये पर्टिकुलर हो गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो आर्टिकल का सेशन था थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, कुछ बहुत आराम से आप समझ सकते थे, सब चीज़ें मैंने आपको करवाई। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मेहनत भी अच्छी लगी होगी। तो आप मुझे कमेंट करके अपना स्कोर बता सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, 40 थे, 2 मैंने आपसे पूछे थे, 38 है। 38 में से जिनका भी 30 स्कोर है, 30 है, मतलब समझ सकते हैं वो अच्छे हैं। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई उनको आप पढ़ते जाइएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि राम सर आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यूस पढ़ाएंगे आपको। और अपने दोस्तों तक, देखिए जब तक अगर भरोसा किया है तो अंतिम वक्त तक भरोसा करना, भरोसे को मत तोड़ने देना, क्योंकि एयरफोर्स हो, नेवी हो, NDA हो या फिर SSC हो, इनका एक अच्छा अनुभव है मुझे। तो बेसिकली आपके एग्ज़ाम तक मैं साथ में रहूँगा, चाहे रहें बच्चे 100, चाहे रहें 200, अगर वो दिल से पढ़ रहे ना, आप कहीं भी पढ़ें, लेकिन जो जो चीज़ें मैं पढ़ाता रहा आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो उनके ऊपर अपनी अच्छी से पकड़ रखें कि हाँ सर की वीडियो आती है तो हमें उसको देखना है, और जो भी सर पूछते हैं उसका हमें जवाब देना है। तो चलेगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को आप ही तो लोग हैं जो लाइक करेंगे, तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।